सुप्रीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण के जेल से छूटते ही यूपी में सियासी माहौल गर्म हो गया है। गौरतलब है कि पिछले साल सहारनपुर में दलितों और राजपूतों में हुई हिंसा में चंद्रशेखर उर्फ रावण का नाम सबसे पहले सुर्खियों में आया था। पुलिस का आरोप है कि रावण प्रत्यक्ष रूप से हिंसा भड़काने का काम कर रहा था, जिसकी वजह से इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया और दंगे में जानमाल का काफी नुकसान हुआ। पुलिस ने रासुका एक्ट के तहत मामला दर्ज कर रावण को जेल भेज दिया, लेकिन अब वो जेल से बाहर आ गया है और यहीं से शुरू हो गई है राजनीतिक रस्साकस्सी। एक तरफ योगी सरकार ने रावण को समय से पहले छोड़कर पश्चिमी यूपी के दलितों को रिझाने की कोशिश की है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि दलित वोट के क्या मायने हैं और किस तरह भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण से सिर्फ बीजेपी को ही दिक्कत नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सहारनपुर में सभा के दौरान रावण को बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़ने का न्योता देकर ये बात साफ कर दी है कि भीम आर्मी से मायावती को भी डर लगता है। उन्हें इस बात का भय है कि कहीं दलित वोट बैंक बसपा से खिसक कर भीम आर्मी की तरफ न चला जाए। पिछले दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने के दौरान जिस तरह से यूपी के अलावा बिहार, हरियाणा, झारखंड और पंजाब जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में दलितों का समर्थन चंद्रशेखर को मिला, इससे सियासी गलियों में घमासान मच गया है और उत्तर प्रदेश की हर पॉलिटिकल पार्टी आज रावण का दामन थामने के लिए बेकरार है, चाहे वो बीजेपी हो, बसपा हो या सपा। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप YouTube पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook पर लाइक भी कर सकते हैं और Twitter पर फॉलो भी।